हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ताज़े हरे मटर की गर्मा गर्म मसाला कचौड़ी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी ताज़े हरे मटर के दाने ले लिए हैं। इन्हें अब हम एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे 2 हरी मिर्च और 5 से 7 लहसुन की कलियाँ और इनका एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे हम एक साइड में रख देंगे और मैंने एक बाउल लिया है। इसमें लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा और जो हमने हरे मटर का पेस्ट बनाकर रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे। यह 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/2 चम्मच मैंने ये अजवाइन ली है, इसे क्रश करके डालेंगे। 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। मैंने इसमें पहले ही 2 हरी मिर्च डाल दी थी, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च थोड़े ही डालेंगे। 1/2 चम्मच से भी कम ये लाल मिर्च पाउडर, ये घर की कुटी हुई लाल मिर्च है। 1/2 चम्मच नमक, ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ले ली है, इसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे ताकि इसके सारे ये डंठल वगैरह अलग हो जाए। ये देखिए, आधा चम्मच ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, इसी के साथ इसमें डाल देंगे ये थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। मैं इसमें 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ, आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हम इसे ऐसे ही मिलाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। मैंने आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे और उसके बाद कचौड़ियाँ बनाएंगे। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट होकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं। जिस तरह हम पूरी बनाने के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से गोल गोल छोटी छोटी हमें इसकी लोइयां तोड़कर तैयार कर लेनी है। एक लोई और बना लेते हैं। इसी तरह से हम सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारी लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें ढककर रख देंगे साइड में और कचौड़ी बेल लेंगे। इसकी हम एक लोई लेंगे, इसे इस तरह से सूखे आटे में लपेट लेंगे और जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से छोटी छोटी गोल गोल कचौड़ी बेलकर तैयार कर लेंगे। न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली बेलें। एक कचौड़ी और बेल लेते हैं। सूखे आटे में लगाया और इस तरह से गोल गोल बेल कर तैयार कर लिया। बस इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ी बेल कर तैयार कर लेंगे। इधर तेल हमारा कढ़ाई में गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक कचौड़ी डालकर इन्हें सेक लेंगे। कचौड़ी को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से अलट पलट कर सेक लेंगे। ये कचौड़ी हमारी अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। एक कचौड़ी और सेक लेते हैं और इसी तरह से बचे हुए आटे से अपनी सारी कचौड़ी सेक कर तैयार कर लेंगे।
ये मैंने सारी कचौड़ियाँ सेक कर तैयार कर ली हैं। बिल्कुल कुरकुरी गर्मा गर्म मटर की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी में।